शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है महात्मा गांधी जी के सत्यवादी बनने का उदाहरण। हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी कितने सत्यवादी थे। बचपन में उन्होंने दो नाटक देखे थे, सत्य हरिश्चंद्र और दूसरा श्रवण कुमार का। दोनों नाटकों में से महात्मा गांधी जी ने ये गुण उठाया कि मुझे सत्यवादी बनना है और माता पिता की सेवा भक्ति करनी है। महात्मा गांधी जी जिस विद्यालय में जाते थे उस विद्यालय में एक समय खेल कूद अनिवार्य किया गया, जिसके कारण सभी को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता था। गांधी जी को खेल कूद में रुचि कम थी, परंतु नियम का पालन करने के लिए गांधी जी बराबर समय पर विद्यालय में पहुंच जाते थे। एक बार उनके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। पिताजी की सेवा में गांधी जी विद्यालय के खेल कूद के मैदान में देरी से पहुंचे तो देखा सब विद्यार्थी चले गए हैं। जब वो क्लास में पहुंचे तो अध्यापक ने गांधी जी को कहा कि आप खेल कूद के लिए मैदान में क्यों नहीं आए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मुझे मेरे पास घड़ी नहीं थी और आसमान में बादल छा गए थे तो मुझे समय का पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं पहुंच नहीं सका। ये बताने पर अध्यापक को गांधी जी के प्रति विश्वास नहीं आया, यकीन नहीं आया। उन्हें ऐसे लगा कि गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। जब ये आभास हुआ गांधी जी को तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें रोना भी आ गया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने अनुभव से ये अंदर दृढ़ संकल्प किया कि मैं ऐसा सत्यवादी बनूंगा, ऐसा आत्मबल पैदा करूंगा कि मेरी बात के ऊपर सामने वाले व्यक्ति को संपूर्ण रीति से विश्वास आ जाए। और ऐसा ही पॉजिटिव संकल्प अगर हम भी अच्छे गुणों को धारण करने के लिए, शक्तियों को धारण करने के लिए संकल्प करते हैं तो हम जीवन के अंदर कितनी ऊंची प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रभु को भी सत्य प्रिय है, सच्चे दिल पर साहब राजी। हम भी ये संकल्प करें कि जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, परंतु सत्य बोलें, सत्यमेव जयते। ओम शांति।